2027 के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का साथ छोड़ने का बनाने लगे माहौल। राजभर के एक बयान से उठने लगे सवाल। ओपी राजभर ने मोदी योगी को लेकर दे दिया ऐसा बयान, सुनकर ऐसा लगा अखिलेश के करीब जाने का बनाने लगे प्लान। अगर ओपी राजभर बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो क्या अखिलेश ओपी राजभर को अपने खेमे में लेंगे? और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है। जब संयम है कोतवाल तो अंदर का है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी सपा के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल सहयोगियों की जुबान से ऐसी ऐसी बातें निकलने लगी, सुनकर ऐसा लगेगा अब तो ये पीएम मोदी पर अटूट विश्वास रखने वाले नेताओं का दिल किसी और ही तरफ मुड़ गया। अब देखिए कल तक सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पानी पी पी कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को कोसा करते थे, अब लोकसभा चुनाव में जैसे बीजेपी की हालत यूपी में पतली हुई, राजभर ने हार का सारा ठीकरा मोदी योगी पर इस अंदाज में फोड़ दिया। आप बोलना सीखो, ताल से बोलो, क्या बात करते हो। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, अच्छा धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षर से उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना, जो लोग आ गए मैदान सब लोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांचीराम जी की तरह मंच पर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना, सही कह रहा हूं। हमें तो सारी हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर उठते बैठे, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए, हम ऐसे लोगों को भी खोज रहे हैं, चाहे हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से कहूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब हो तो फिर आगे आप मत आना, आगे मत आना, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी आ सकता है, हो सकता है आपका रिश्तेदार भी उसमें आ सकता है, उस समय किसी की बात नहीं सुनूंगा, हमारी कलम जब चलेगी तो फिर चलेगी। इस नाते बता देना सबको, जैसा किया हो वैसा उन प्रकाश राजभर देने की तैयारी भी है और दूंगा, और बढ़िया है कि 3 साल सरकार में रहूंगा, अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेंगे। अभी तो 17 दूसरे से लिए थे, यहाँ चाहते हैं कम से कम 25 से 30 सीट वाला, अब इधर नेता तैयार है, मैं लड़े वाला, सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा एकदम। अब कोई नेता हमारा अगर दबा तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब संयम है कोतवाल तो अंदर का है, तो बेहिचक। घोसी लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार हुई, वहीं बेटे की हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर फोड़ा। सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि आप लोग भी बोलना सीखिए, हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट किया, गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा, अब तो हम पूरी बगावत कर दिखाएंगे, आगे हमें मंच से ही बता देंगे कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना। ऐसे लोगों की भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो मंच पर लच्छेदार भाषण देते थे और गाड़ी में बैठकर अपने लोगों से कहते थे कि इधर नहीं उधर वोट देना, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, हम ऐसे लोगों को खोज भी रहे हैं, चाहे वो हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई हो, चाहे अधिकारी हो, ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। अब ओपी राजभर जब ये दावे कर रहे तो सवाल उठता है, क्या सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को यकीन हो गया 2027 में बीजेपी के साथ जाने से उनको फायदा नहीं होने वाला, इसलिए
फैसले क्या बीजेपी के बड़े चेहरे को अपने टारगेट पर ले रहे हैं। इन लोगों को घमंड है कि ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए भगवान राम की तरह 14 साल वन में भटकना पड़ेगा। यहाँ जितने लोग हो आप बताओ, कोई गांव कोई पुरवा 14 साल में ओम प्रकाश राजभर न गए हो। अब हम देने लायक बनने जा रहे हैं। अभी तो हम गांव में आपको समझा रहे हैं, अब हम आपको ले आए हैं, दुश्मन के छाती पर चढ़ के हम आपको हिस्सा देने जा रहे हैं। बता देना हम लोगों को, इन लोगों ने कल तक पूरे समाज को गाली दी जाती थी, तो हम लोग नहीं बोलते थे, हम लोग बर्दाश्त करते थे और साथ देते थे। आवाज तरह तरह की बात करते हो, घबराओ नहीं, ये वो फौज है कि पूर्वांचल में जो चाहूंगा वही ये फौज करेगी, तुम्हारे औकात नहीं है। तुमने जो किया अच्छा किया, तूने तो न्योता दिया है ओम प्रकाश राजभर को।